भैया ये मक्खन कौन सा लगा रहे हो आप? भैया आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं पढ़े लिखे होते तो छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते, इतने पैसे नहीं कमा रहे होते। मतलब भैया पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, एक बार खाओ। हाँ और भैया कितने जन्म की छुट्टी फिर? और मैंने सुना भैया अमूल की जितनी सप्लाई आती है आधी तो आप ही ले जाते हो। तो भाई सीधा काट के ऊपर आगे भैया जी, राम राम। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। भैया थैंक यू सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया, धन्यवाद। भैया मैंने सुना लोग जो खाना सोच भी नहीं सकते, जो लोगों ने खाना कभी देखा भी नहीं होगा, आप वो खाना बेचते हो, ऐसा क्या बेचते हो आप? भैया एक ये बेचता हूँ, अच्छा दूसरा ये बेचता हूँ। क्या बात है, दो दो कार्ड लगी हुई है जी भैया। तो पहले राइट साइड चलते हैं, राइट भैया, राइट इज ऑलवेज राइट ना। तो ये देखो है राइट वाली कार्ड के ऊपर आ गए, सामने बंस लगे हुए हैं, तवा लगा हुआ है काफी बड़ा। भैया सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय हुआ, बड़े भाई विजय है। विजय भैया साथ में, संजय भैया राम राम जी। तो सर ये सामने बंस पड़े, क्या लगा रहे हैं अभी? भैया ये हॉट डॉग लगा रहा हूँ। हॉट डॉग? हाँ जी भैया। क्या बात है, तवा के ऊपर भाजी है जी, वो भी देसी हॉट डॉग। देसी हॉट डॉग? हाँ जी भैया। क्या बात है जी, नाम भी देसी है पर चीज बिल्कुल देसी है। ये मक्खन आया, ये भाजी सी तैयार की हुई है एकदम बढ़िया, और खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा बटर की। और इधर देखो ये भाजी सेट करके लगाई हुई है। वो भैया एक हॉट डॉग हमारा भी लगाई है, जो सबसे बढ़िया वाला यहाँ का। बिल्कुल भैया, आज ही आपको भी खिला रहे हैं डबल चीज पनीर हॉट डॉग। हाँ जी भैया। ट्रिपल भी होता है अपने पास? ट्रिपल भी होता है, ट्रिपल लगा रहा हूँ। प्रो मॉडल खिलाओ। बिल्कुल भैया, ये सामने भाजी आ गई हॉट डॉग के अंदर, ये साथ में आ गई थी टमाटर, हरी चटनी लगी हुई है नीचे की साइड पे, लगी है मीठी चटनी। ये देखिए साथ में बर्गर भी होते हैं भैया अपने पास ना? हाँ जी भैया, हॉट डॉग और बर्गर होती है। हॉट डॉग और बर्गर दोनों होते हैं भाई। भैया ट्रिपल वाला इसी के अंदर बनेगा अलग बना? भैया अभी बना रहा हूँ, प्याज आया। ये देखिए जी प्याज आ गया, प्याज के ऊपर आ गया पनीर एकदम बढ़िया क्रश करके। ये आ गया मक्खन। भैया तीन हॉट डॉग कैसे बना रहे हो क्या? अरे एक्स्ट्रा बनेगा भाई, ये देखो ट्रिपल है ना, तो मक्खन देखो क्या भर के डाला। जितनी क्वांटिटी प्याज की आई है, जितनी क्वांटिटी पनीर की आई है, उससे ट्रिपल भाई बटर डाला गया इसमें। ये देखो भाई बटर पूरा पिघल गया पनीर के अंदर। ये हल्दी आ गई भैया, मसाले, ये रहा सीक्रेट मसाला भाई, वो थे बाजार वाले मसाले। ये देखो एकदम देखने में लग रहा है भैया पूरा तीखी। ये आ गया जी भाजी, ये आ रही चाट मसाला, उधर चाट मसाला, उधर साथ साथ हॉट डॉग लगते जा रहे जी। बर्गर तैयार हो रहा है और उसके ऊपर नींबू भी आ गया, और जो दूसरी काट है वहाँ पे रश कायम है। बने रहो भाई, जो सेकंड चीज आने वाली है ना वो तो देखकर ही हिल जाओगे आपकी। ये क्या है? ये मेयो आ गई जी ऊपर। ये देखो यार थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ आपको, ये भाजी के अंदर पनीर ही पनीर है। और ये ट्रिपल चीज के लिए आना शुरू के लिए फर्स्ट लेयर जी, और ये बाकी जो भाई हॉट डॉग्स लगे ना उसके ऊपर चीज आने वाला है। और ये आइटम भैया 11 साल से बेच रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ जी भैया 15 साल हो गया। 15 साल से बेच रहे? हाँ जी भैया। भाई 15 साल से देखो यहाँ पे हॉट डॉग बेचा जा रहा है। और मैंने सुना भैया अमूल की जितनी सप्लाई आती है आधी तो आप ही ले जाते हो शहर की। आधे कैसे ले जाऊंगा, बट मेरे पास इतना डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट है जी, उसमें सबसे ज्यादा माल उठाने वाला मैं ही हूँ। क्या बात है जी, ये देखो ईस्ट दिल्ली में मतलब जितना माल आता है अमूल का सबसे ज्यादा आप ही उठाते हो। भाई देखो जितना बटर आएगा ना इसमें आप देख के दंग रह जाओगे। ये पनीर की जो स्टफिंग थी सारी बॉटम, ये टॉप उधर तैयार हो रहा है, दो चीज स्लाइसेस टॉप के ऊपर आ गई है। देखिए मैं इसे, ये देखो ये हॉट डॉग बंद होने शुरू हो गए। भाई ये जो तीन थे ना ये तो नॉर्मल वाले, प्रो मैक्स ट्रिपल चीज वाला। ये देखो भाई तीन चीज की स्लाइसेस और भाजी। अब देखो बटर का जलवा तवा के ऊपर। ये देखो भाई मक्खन आता जा रहा है तवा के ऊपर एकदम बढ़िया, पूरा बटर पिघला के। ये देखो जी ये हॉट डॉग आगे सीधा बटर के बीच में। वाह हॉट डॉग पूरे शाइन कर रहे हैं भाई बटर के साथ। वाह भाई ये देखो मक्खन मार के एकदम हॉट डॉग तैयार है। ये कर दी गई है बढ़िया से कटिंग। वाह भैया लग के तैयार। सर कितने रुपए का ये? 130 का ट्रिपल चीज पनीर हॉट डॉग। 130 रुपए का ट्रिपल चीज, एक बार खाओ। और भैया कितने जन्म की छुट्टी फिर, मतलब भूख नहीं लगेगी? ये तो भैया मैं कह नहीं सकता, आपको 2 घंटे बाद ही भूख लग जाए। क्या बट पेट भर जाएगा, मन नहीं भर सकता भाई। ये प्लेट लग के तैयार है, फटाफट भैया दूसरी जगह चले। अब हाँ जी भैया खाए दूसरा फूड क्या? जी भैया तो हॉट डॉग देखो यार आपने देख लिया बढ़िया गर्मा गर्म। भैया आप क्या दिखा रहे हैं? आप भैया कबाब, वेज कबाब। वेज कबाब? वेज कबाब। वेज कबाब तो कोई चीज ही नहीं होती भैया। भैया नाम सुन के आपको डर लगता है कबाब, और ये वेज कबाब है। क्या जो पहले नहीं था, न्यू वर्जन आया है वेज कबाब। वेज कबाब का? हाँ जी भैया। ये देखो यार ये कबाब लगे हुए हैं पूरा। वाह 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 बिल्कुल भैया। ये देखो डबल कबाब आ गया, दो कबाब आ गए। कबाब मीन्स खिला रहा हूँ बेस, वेज कबाब। हाँ जी वेज कबाब भाई, बार बार बता रहे हैं वेज कबाब है ये, वेज गलौटी बोल सकते हैं ना, वेज गलौटी कबाब है। क्या बात है, ये देखो जी बटर आ गया जो लखनऊ का है जी, जिसे किंग बोला जाता है, बादशाह बोला जाता है। भाई चाप वाप तो देखो दे रही थी नॉनवेज का स्वाद, पर अब तो कबाब भी आ गए बाजार के अंदर। नॉनवेज वाले कबाब का स्वाद वेज कबाब के अंदर है ना भैया? हाँ जी भैया प्योर वेज के अंदर एकदम बढ़िया। तो ये देखो जी कबाब जो अपने तैयार हो रहे हैं। भैया कबाब जब तक तैयार होते पराठे की तरफ चले हम? हाँ जी भैया पराठे की तरफ चलते हैं। आइए जी, ये देखो यार सामने अपने कबाब तैयार किए जा रहे हैं। इधर भैया लगा के देने लगे उल्टे तवे का पराठा, करिए भैया शुरू। ये देखो भाई एकदम आग जला के भैया ने फायर के साथ शुरू किया जी पराठा लगाना। ये देखो ये पराठा तैयार किया जा रहा है।
उधर कबाब के ऑर्डर चलते जा रहे, कस्टमर्स आ रहे हैं जी। ये देखो भाई, रोटी को ऐसे एकदम ना बढ़िया से स्ट्रेच किया जा रहा है और प्रॉपर उसके बाद आएगी तवा के ऊपर, ये देखिए। वाह यार, एकदम बढ़िया यार। मतलब भैया पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, जो कर सकते हैं आप। पराठा आ गया तवा के ऊपर और बढ़िया इसकी सिकाई की जाएगी। अगर प्लेट में खाएंगे जी, तब जितने पतले से पतले आप खाना पसंद करेंगे उतने पतले बन सकता है। ओके, तो ये देखो भाई अपनी प्लेट के लिए पराठा तैयार हो रहा है, एकदम बढ़िया सिकाई की जा रही है। वाह, ये जब तक पराठा तैयार किया जा रहा है, इस साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भाजी तैयार की जा रही है कबाब के लिए। ये भी भाजी भैया कबाब के अंदर ही आती है? ये कौन सा कबाब बन रहा है भैया? पनीर कबाब। ये पनीर कबाब तैयार किया जा रहा है, और इसमें वेज कबाब के लिए गलौटियाँ पड़ी है जी। उधर तैयार की जा रही है रोटी। वाह, ये देखो भाई रोटी तैयार है और ये आई सीधा तवा के ऊपर भाई उड़ा के। वाह, अब देखिए भैया ये कबाब अच्छे से सिक चुकी है। बिल्कुल भैया, ये अपना कलर पकड़ चुका है, मैंने इसे प्लेट में लगा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये है कबाब दो पीस, और ये पराठा देखो भाई क्या क्रिस्पी है, एकदम लाल हो गया। प्याज, अब ये हरी चटनी, हरी चटनी लखनवी ग्रेवी, ये भी वेज है? हाँ जी भैया। भाई कबाब तो आए लखनऊ से और ग्रेवी भी ले आए भैया, बहुत बढ़िया। ये ऊपर मसाला किस चीज का डाला भैया जी आपने? ये चाट मसाला है। चाट मसाला, और ये आ गया जी विटामिन सी। प्लेट लग के तैयार है भैया? हाँ जी भैया, ये प्लेट लग के तैयार। सर कितने रुपए की प्लेट है ये? ये प्लेट जो है 110 रुपए की है। 110 रुपए की प्लेट है भाई, दो कबाब साथ में एक पराठा, दो पराठे मिलेंगे। अरे वाह भाई, दोनों रंगीन चीजें लग के तैयार है। ये देखो वेज कबाब, ये देखो जी वेज कबाब साथ में उल्टे तवे का पराठा। पहले इसी से शुरुआत करते हैं, एकदम बढ़िया पराठा पास से दिखाई दे रहे जी। वेज कबाब एकदम सॉफ्ट कबाब है, ये लखनवी चटनी, इसके अंदर रैप करते हैं, ऊपर लगाते हैं थोड़े से प्याज। एक डिफरेंट चीज है ये, चीज है ना ऐसी कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। ये बीच में देखो चने की दाल वाली दिखाओ, ये देखो चने की दाल है, और भी चार पांच तरह का सामान डालोगे वेज, एकदम बढ़िया से ना उसको ये तवे पे सेक, एकदम मुलायम चीज है, मस्ट ट्राई है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। और ये चीजें देखो, इस पे इतना मक्खन डाला भाई, इतना मक्खन डाला ना, वो देखा था ना आपने, इतना बटर डाल के बनाते हैं ना। और कुछ भी हो देखो, कोई भी वेंडर है ना, चीज तभी बनाता है अगर कस्टमर खाने आते हुए। पीछे भी आप देखो, मतलब छोटा मुँह के पास भी लेके आओ ना, तो बटर की खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है इसमें से। ये इसके अंदर ट्रिपल चीज है, पनीर है, प्याज है, ग्रेवी है, और देखते हैं क्या क्या है। ये देखो ये रंग है ना, जो बटर से आया, इतना दबा के मक्खन डाला ना कि आप सोच भी नहीं सकते। प्याज का स्वाद बड़ा अच्छा आ रहा है, पर जो मेजर आपको किक आएगी ना, मेजर जो टेस्ट आएगा वो बटर का आएगा। अगर तो बटर लवर हो तो आओ ये ट्राई करो, अगर बटर लवर नहीं हो तब भी आओ तो भाई ये ट्राई करो, क्योंकि ये आइटम तो ज़बरदस्त लगे मेरे को। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई कमेंट किया करो, प्यारे प्यारे बताया करो आपके शहर में क्या मिलता है प्यारा प्यारा खाने को। आपके शहर भी आएंगे और ब्लॉग बनाएंगे और मिलेंगे आपसे, बाकी ऐसे तो मिल ही रहे हैं अगली वीडियो में।